टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने धो कर रखा है। सभी मिर्च को एक एक बार हम और भी पोंछ लेंगे, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। साथ ही खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, 1/2 छोटी चम्मच मेथी का दाना लिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने राई ली है, जो हमारे मसालेदान में मसाले होते हैं बस वही लिया है, हींग लिया है, नमक लिया है और साथ ही सरसों का तेल भी लिया है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई पर 1/2 छोटी चम्मच मेथी के दाने और सौंफ को डाला है। सबसे पहले हम इन दोनों मसालों को बहुत अच्छी तरह से सेक लेंगे। उसके बाद ही जब ये सिक जाएंगे, उसके बाद हम राई ऐड करेंगे, क्योंकि राई को सीकने में बहुत कम टाइम लगता है, सौंफ और मेथी दाने को सीकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच अजवाइन भी ऐड कर दी है। अजवाइन डालने से इस अचार में और भी अच्छा स्वाद आता है। मसाले भून चुके हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर मैं इन्हें मोटा मोटा क्रश कर लूँगी। साथ ही मैंने एक तरफ सरसों का तेल गर्म होने रख दिया है, फ्राई पैन में ही गर्म कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल है। तेल जब बहुत अच्छा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद हम इस तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एकदम गरम तेल में हम इसमें हींग नहीं डालेंगे, नहीं तो हींग जल जाएगी। तो अब थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर डाउन हो गया है, तब मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच हींग डाला है। हींग डालने से अचार का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हींग अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है और जो हमारे अचार को लंबे समय तक के सुरक्षित रखती है। अब ये सूखे मसालों को मैंने एक प्लेट में खाली कर लिया है। 1 बड़े चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, साथ ही 1 बड़े चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि अचार में खटाई डालना भी ज़रूरी है। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस सभी सूखे मसालों को सबसे पहले तो हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि अमचूर, नमक, सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम सभी मिर्ची में कट का निशान लगाएंगे। आप चाहें तो मिर्ची की डंडियों को अलग भी कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो ना करें, क्योंकि कई बार मिर्ची का अचार इन डंडियों को पकड़कर खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप देख रहे हैं, मैं मिर्ची की नोक से कट लगाना शुरू कर रही हूँ और मिर्ची के डंठल तक के हमें पूरा कट का निशान लगाना है। ये देखिए, ऊपर से मैंने कट लगाया है और नीचे तक के कट लगाना। मैंने नीचे से दोनों हिस्से को अलग नहीं किया है और इसीलिए मैंने डंठल को भी अलग नहीं किया है। डंठल के कारण ही थोड़ा नीचे का हिस्सा आपस में जुड़ा रहेगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मसाले अच्छी तरह से इसमें भरे रहेंगे। तो बस इसी तरह से मैं सभी मिर्च को बीच से काट लूँगी, कट का निशान लगा लूँगी, परंतु नीचे से जुड़े ही रहने दूँगी। नीचे से हमें इन्हें अलग अलग नहीं करना है। तो इससे थोड़ा हमारा अचार दिखता भी अच्छा और खाने में भी इसे बड़ा मज़ा आता है। इस अचार को जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, आप लंबे समय तक के रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं है। इस अचार में हम सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं। सरसों का तेल भी एक प्रिजर्वेटिव होता है। तो इसी तरह से सभी मिर्च काट रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं मिर्च को इस तरह से खोलती जा रही हूँ और अब मैं सभी मिर्च में इस मसाले को भरना शुरू करती हूँ। मसाले को थोड़ा सा भरने से पहले हमने जो 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया था, उसमें 1 बड़े चम्मच तेल मैं इन मसालों में मिला रही हूँ, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो थोड़ी सी, उससे बाइंडिंग अच्छी हो जाए, नहीं तो पूरे सूखे मसाले निकल कर गिरने लग जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डालकर इसे सॉफ्ट कर लिया है, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो मिर्ची में बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए। बस अब हम दोनों साइड में इस मसाले को भरेंगे। ये अचार दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है दोस्तों। काट के तो हम हमेशा बनाते हैं, परंतु कभी कभी इस तरह से भी बनाएं तो मिर्ची खाने वालों को इस अचार को खाने में आनंद ही आ जाता है। तो बस इस आप देख रहे हैं, मैं इस तरह से स्टफिंग के लिए बीच से गड्ढा करती जा रही हूँ, ताकि स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से मिर्ची में भर जाए और मिर्ची भी बड़ी स्वादिष्ट लगे। तो बस इसी तरह से सभी मिर्चियों में मैं इस स्टफिंग को भर लूँगी। थोड़ा
थोड़ा सा स्टफिंग भरने के बाद हाथों से हल्का सा मिर्ची को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि जो मसाले भरे हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाए। मैंने यहाँ पर एक कांच का जार लिया है। वैसे अचार को आप हमेशा कांच की बरनी में ही रखें, कभी भी प्लास्टिक के बॉटल में अचार को हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अचार एक बार बनने के बाद बहुत लंबे समय तक के हम रखते हैं, ज़्यादातर तो लंबे समय तक ही रखा जाता है, तो कांच के बर्तन का यूज़ करें। अगर मिर्ची बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है, मेरे इस कांच के जार में नहीं आ रही है, इसलिए मैंने मिर्ची के दो हिस्से में कैंची की मदद से काट रही हूँ और सभी मिर्ची को बस इस तरह से इस जार में डालूँगी। और अब ये जो हमारे सूखे मसाले हैं वो भी हम इस जार में डाल देंगे और इस अचार को आप 2 से 3 दिन तक के धूप में ज़रूर रखें। अगर धूप कम है, ठंड का मौसम है, तो कम से कम 5 से 6 दिन तक के आप रखें, और ज़्यादा धूप तेज़ है दोस्तों, 2 से 3 दिन में यह अचार खाने लायक हो जाता है। तो सभी मसाले भी मैंने इसमें जार में डाल दिए हैं। अब ये जो हमारा सरसों का तिल जो कि अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है वो भी मैं इस जार में डाल रही हूँ। तो देखा ना दोस्तों कितने झटपट तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है ये अचार। कई बार सब्जियां घर पर नहीं होती हैं या खाना अच्छा नहीं लगता, तब ये अचार मिल जाता है दोस्तों, तो खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत अच्छी तरह से इस अचार को हिला लें ताकि सभी मसाले तेल इस अचार में, इस मिर्च में अच्छी तरह से लपट जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इस हरी मिर्च के अचार को ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी।